हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू SAS क्रिएटिव ग्रुप। आज दोस्तों मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ ट्रिम कमांड, एक्सटेंड कमांड, अरेज कमांड एंड एक्सप्लोड कमांड। ओके फ्रेंड्स, तो उससे पहले दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल के ऊपर जाइए और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में यहाँ पर एक बटन होता है दोस्तों नोटिफिकेशन का, इसे ज़रूर ऑन कर लीजिए ताकि अगर कोई वीडियो मैं अपलोड करता हूँ तो आपको ईमेल के थ्रू उसकी नोटिफिकेशन मिल सके, और फिर यहाँ पर टिक करने के बाद सेव। ओके, और प्लीज़ दोस्तों मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिए, उसे सपोर्ट कीजिए। ओके फ्रेंड्स, और यहाँ पर काफ़ी सारी वीडियोस मैंने ऑटोकैड के अलावा अपलोड की हुई है, प्लीज़ उनको भी वॉच कीजिए एक बार ज़रूर। ओके, तो अब चलते हैं वापस हमारे ऑटोकैड के ऊपर। तो सबसे पहले कमांड हमारी कौन सी आती है दोस्तों, ट्रिम कमांड, जो कि हमारी मॉडिफाई पैनल में यहाँ पर होती है। हम इसके ऊपर सेलेक्ट करेंगे या हम शॉर्टकट की का भी यूज़ कर सकते हैं, TR एंटर। ओके, उसके बाद में ये क्या पूछेगा दोस्तों, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट और सेलेक्ट ऑल। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, जैसे ये लाइन रिमूव करनी है इन दो सर्कल के बीच में से, तो उसके लिए क्या करता हूँ दोस्तों, एक तो सर्कल ये सेलेक्ट कर लेता हूँ और एक सर्कल ये सेलेक्ट कर लेता हूँ और फिर एक ये लाइन। ओके, अब राइट क्लिक करता हूँ। उसके बाद ये क्या पूछेगा दोस्तों, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू ट्रिम। तो अब हम इस लाइन को ट्रिम करते हैं, यहाँ पर ये लाइन सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद ये वाली लाइन ट्रिम करते हैं, और उसके बाद दोस्तों जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये डज नॉट इंटरसेक्ट विद कटिंग एज दिखा रहा है। इसका क्या मतलब है दोस्तों, ये ट्रिम नहीं होगी। वो किस लिए, क्योंकि ये लाइन पूरी तरह से ट्रिम हो चुकी है, इसमें कोई सेक्शन नहीं है या दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं है जहाँ से ये इसको ट्रिम कर सके। ओके, तो इसके लिए हम डायरेक्ट इसको सिलेक्ट करेंगे, डिलीट कर देंगे इसको। तो इस तरह से हम ये ट्रिम कमांड यूज़ कर सकते हैं। अब कंट्रोल जेड करता हूँ दोस्तों दोबारा, और फिर ट्रिम कमांड दोबारा लेता हूँ। अब अगर पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करता हूँ दोस्तों और फिर राइट क्लिक करता हूँ, तो आप देख रहे होंगे एक सर्कल ये है और एक सर्कल ये है। तो यहाँ पर अगर जैसे मैं इस लाइन को सिलेक्ट करता हूँ तो ये सिर्फ इन दोनों सर्कल के बीच का सेगमेंट शो कर रहा है। ओके, तो ये सिर्फ इसको रिमूव करेगा, यहाँ पर जैसे ये भी इसको। ओके, यहाँ पर ये नहीं करेगा क्योंकि इसका कोई ट्रिम का सेक्शन है ही नहीं बीच में कोई और लाइन, और यहाँ पर ये, यहाँ पर ये, और यहाँ पर ये। ओके, तो इस तरह से हम ट्रिम कमांड यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। ओके, और सेकंड क्या है दोस्तों, ट्रिम कमांड दोबारा लेता हूँ मैं, उसके बाद आप यहाँ पर देख रहे हो सिलेक्ट ऑल। सिलेक्ट ऑल करते ही ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली पूरे ऑब्जेक्ट जो भी हमारे ड्राइंग शीट के ऊपर होगा वो ले लेगा। सिर्फ क्या करना है, TR एंटर करेंगे और फिर दोबारा एक और बार एंटर करेंगे, उससे पूरे ऑब्जेक्ट हमारे ड्राइंग शीट वाले एक साथ सिलेक्ट कर लेगा। ओके, और उसके बाद क्या है दोस्तों, यहाँ पर जैसे आप देख रहे होगे इस मैसेज बॉक्स में, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू ट्रिम और शिफ्ट सेलेक्ट टू एक्सटेंड। अगर हम शिफ्ट को अगर प्रेस करेंगे दोस्तों तो ये क्या करेगा, ट्रिम की जगह एक्सटेंड करेगा। यानी कि अगर मैं यहाँ पर शिफ्ट को प्रेस करता हूँ दोस्तों और इस लाइन के ऊपर लेके जाता हूँ, तो ये क्या करेगा दोस्तों, इस लाइन को एक्सटेंड कर देगा नेक्स्ट ऑब्जेक्ट तक। अगर मैं इस डायरेक्शन में लेके जाता हूँ तो ये यहाँ ये ऑब्जेक्ट है यहाँ तक इसको एक्सटेंड कर देगा। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो इसने एक्सटेंड कर दिया, फिर दोबारा शिफ्ट दबाता हूँ और फिर शिफ्ट को प्रेस रखना दोस्तों, होल्ड रखना है, और फिर ये इसको यहाँ तक एक्सटेंड कर देगा। ओके, तो इस तरह से हम ट्रिम को भी एक्सटेंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर मैंने 3-4 एग्जांपल और ले रखे हैं ट्रिम कमांड के, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ओके फ्रेंड्स, तो मैं यहाँ पर एस्केप की दबाता हूँ, TR एंटर करता हूँ, उसके बाद मैं ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पर। ओके, ये दो लाइनें मैंने सेलेक्ट कर ली, अब राइट क्लिक, फिर जो भी लाइन मुझे रिमूव करनी है उसको मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ यहाँ से, क्लिक और फिर ये क्लिक। ओके, और फिर नेक्स्ट क्या है दोस्तों, ये एग्जांपल, इसमें मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को मैं सेंटर लाइन ले लेता हूँ, यहाँ पे बाई लेयर में जाके सेंटर लाइन। ओके, और अब क्या करता हूँ दोस्तों, TR एंटर, फिर दोबारा एंटर, और उसके बाद जैसे यहाँ पर ये
यहाँ पर ये क्लिक, यहाँ पर ये क्लिक और यहाँ पर ये क्लिक। ओके, तो इस तरह से हम यहाँ से ये ट्रिम कर सकते हैं जो एक्सटर्नल लाइन से इसकी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर कोई गैप चाहिए, तो उसके लिए क्या करते हैं दोस्तों, TR एंटर। अब क्या करता हूँ, एक तो लाइन में ये सिलेक्ट कर लेता हूँ, एक लाइन में कर लेता हूँ ये। ओके, और फिर राइट क्लिक, और फिर क्या करते हैं दोस्तों, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर ये रिमूव कर रहा है इस लाइन को, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है सेंटर में, मगर मैंने ये सिलेक्ट नहीं किया इसलिए ये ऑब्जेक्ट इस लाइन को डिवाइड नहीं कर रहा। ओके, तो इसने ये ऑब्जेक्ट लिया नहीं है यहाँ पर, तो एस्केप की दोबारा दबाता हूँ, TR एंटर, और फिर तीनों लाइन अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ और फिर राइट क्लिक, तो जैसे आप देख रहे हो अब सिर्फ ये एक सेगमेंट ले रहा है ना कि पूरी लाइन। ओके, तो इसलिए हम बीच वाली जो लाइन होती है वो यहाँ पर नहीं सिलेक्ट करेंगे, ये क्लिक, ये क्लिक, ओके राइट क्लिक, यहाँ पर ये, यहाँ पर ये, और बीच वाली लाइन को हम डिलीट कर देते हैं डायरेक्ट, और यहाँ पर ये, जैसे ये लाइनें मुझे हटानी है तो इसके लिए TR, यहाँ पर ये सिलेक्ट कर लेता हूँ राइट क्लिक, ये और ये, यहाँ पर भी ये रिमूव कर सकते हैं हम डायरेक्ट। ओके, तो इस तरह से हम ट्रिम कमांड का यूज़ करते हैं दोस्तों। ओके, अब जो नेक्स्ट कमांड हमारी वो क्या है दोस्तों, एक्सटेंड कमांड। एक्सटेंड कमांड की शॉर्टकट कमांड होती है EX। ये क्या करती है दोस्तों, ये जैसे लाइन है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर गैप दिख रहा है, तो इस गैप को फिल करने के लिए हम एक्सटेंड कमांड का यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे मैं सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करता हूँ, या तो मैं डायरेक्ट एंटर भी कर सकता हूँ या सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, जैसे मुझे ये लाइन अगर यहाँ तक चाहिए तो मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूँगा दोस्तों, और फिर राइट क्लिक, और फिर जो भी लाइन हमें एक्सटेंड करनी है यहाँ से कहीं से भी उस लाइन को सिलेक्ट करूँगा, जैसे ये लाइन एक्सटेंड करनी थी यहाँ तक, तो ये क्लिक, तो इस तरह से ये यहाँ पर एक्सटेंड होगी दोस्तों। ओके, यहाँ पर जैसे आप देख रहे होगे ये गैप है, इसको भी हम एक्सटेंड कमांड के थ्रू फिल कर सकते हैं दोस्तों, तो उसके लिए सेलेक्ट ऑब्जेक्ट ये, या डायरेक्ट एंटर करता हूँ और फिर यहाँ पर ये क्लिक करता हूँ तो ये एक्सटेंड कर देगा। ओके, और अब जैसे सेंटर वाली लाइन है ये भी यहाँ पर और ये यहाँ पर। ओके, अब जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो ये गैप है, यहाँ पर मैं अगर लेके जा रहा हूँ तो ये सिलेक्ट नहीं कर रहा, इसको एक्सटेंड नहीं कर रहा, वो किस लिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ से इसके सामने कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट होता तो ये इसको ज़रूर एक्सटेंड कर देता। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल यहाँ पर ड्रा कर देता हूँ इसकी सिदाई में, और फिर एक्सटेंड कमांड लेता हूँ एंटर, और फिर एंटर कर देता हूँ दोबारा एक और बार, और फिर अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो आप देख रहे होगे इस लाइन को इसने इस ऑब्जेक्ट तक एक्सटेंड कर दिया दोस्तों। ओके, अब जैसे अगर मैं यहाँ पर करता हूँ एक ऑब्जेक्ट ड्रा, EX एंटर, फिर एंटर करता हूँ दोबारा, और फिर इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ ये। ओके, एस्केप, तो इस तरह से ये एक्सटेंड कर देगा, और दोबारा एक और बार एक्सटेंड लेता हूँ, और अब अगर मैं शिफ्ट अगर प्रेस करता हूँ मैं यहाँ पर, तो ये क्या करेगा दोस्तों, एक्सटेंड के अपोजिट ट्रिम करेगा, और यहाँ पर शिफ्ट होल्ड रखते हैं तो आप देख रहे हो यहाँ पर ये ट्रिम के लिए शो कर रहा है। ओके, यहाँ पर मैं इसको क्लिक करता हूँ, यहाँ पर इसको क्लिक। ओके, तो दोनों कमांड हम आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं शिफ्ट प्रेस करके। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से हम एक्सटेंड कमांड और ट्रिम कमांड का यूज़ करते हैं। अब जो नेक्स्ट कमांड आती है दोस्तों वो क्या, हमारी अरेज कमांड। अरेज की शॉर्टकट की क्या है, ई। अरेज कमांड बेसिकली किस लिए यूज होती है, किसी भी ऑब्जेक्ट को डिलीट करने के लिए। फॉर एग्जांपल मुझे अगर यहाँ पर इस लाइन को डिलीट करना है तो मैं डायरेक्ट इस लाइन को सिलेक्ट करता हूँ और ई एंटर करता हूँ, ई एंटर, ई फॉर अरेज, शॉर्टकट की है ई। ओके, तो यहाँ पर इसने ये लाइन रिमूव कर दी। ओके फ्रेंड्स, और यहाँ से मैं सेलेक्ट करता हूँ, फिर ये क्या पूछेगा, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट हमें रिमूव करना है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये लाइन रिमूव करनी है तो मैं इस लाइन को सिलेक्ट कर लूँगा। ओके, और फिर राइट क्लिक। ओके फ्रेंड्स, और फिर क्या आता है, एक्सप्लोड। एक्सप्लोड बेसिकली किस लिए यूज होता है दोस्तों, अगर कोई हमारा पॉलीलाइन ऑब्जेक्ट है उसको तोड़ने के लिए हम एक्सप्लोड कमांड यूज करते हैं।
यहाँ पर जैसे आप देख रहे होगे ये है एक्सप्लोड। ओके, यहाँ पर मैं ये सिलेक्ट करता हूँ, फिर ये क्या पूछेगा, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट कोई भी पॉलीलाइन। जैसे आप देख रहे होगे यहाँ पर ये रेक्टेंगल है दोस्तों पॉलीलाइन में, तो अगर मुझे इसको तोड़ना है, अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड करना है, तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और फिर राइट क्लिक, फिर देख रहे होगे आप ये अलग अलग लाइनों में टूट गया। ओके, तो इस तरह से हम एक्सप्लोड कमांड भी यूज़ कर सकते हैं। इसकी शॉर्टकट कमांड होती है दोस्तों एक्स स्पेस बार सेलेक्ट ऑब्जेक्ट फिर राइट क्लिक। यहाँ पर जैसे आप देख रहे हो इसने भी इसको एक्सप्लोड कर दिया। ओके फ्रेंड्स, आई होप दोस्तों आपको मेरी वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ओके फ्रेंड्स, और हमेशा हैप्पी रहें, इसलिए डोंट वेरी बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग फॉर एवर। थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।